औरतें बाहर निकली हुई है ना, आजादी जा रही है और वो है जिस्मानी आजादी। दैट्स इट। गंदे गंदे से वाहियात से ये नारे लगा रही होती हैं। दीनी बहनें हैं ना और बेटियां हैं, वो कभी भी इसको सपोर्ट नहीं करेंगी। मुझे तो ऐसी आजादी नहीं चाहिए, ये कैसी आजादी मांग रही हैं। फॉरनेस पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फॉर न्यूज के साथ मैं हूं आपकी मेजबान निम्रा अहमद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे औरत मार्च पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मार्च आ चुका है और 8 मार्च को औरत मार्च मनाया जाता है। अगर हम औरत मार्च की तारीख पे गौर करें, औरत मार्च सबसे पहले कराची में 2018 में मनाया गया था। उसके बाद 2019 में लाहौर और इस्लामाबाद जैसे शहरों में मनाया गया था औरत मार्च। औरत मार्च का बेसिक मकसद जो था, औरतों के तशद्दुद के खिलाफ आवाज़ उठाना था। औरतों के तशद्दुद के खिलाफ आवाज उठाना तक तो ठीक था, लेकिन औरत मार्च बाद में अपना रंग ही तब्दील कर गया, जिसमें हमें मुख्तलिफ किस्म के बेहयाई के स्लोगन्स देखने को मिले, औरतों का सरेआम सड़कों पर नाचना। इसी सिलसिले में आज हम पाकिस्तानी आवाम का रिव्यू जानेंगे, उनके रिव्यूज देखेंगे कि क्या वो औरत मार्च को सपोर्ट करते हैं या नहीं, और जो तस्वीर औरत मार्च में औरत के हकूक की दिखाई जा रही है, क्या वही है असल औरतों के हकूक। तो चलिए लोगों की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं कि लोग हमें क्या रिव्यूज देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शफक कामिल। अच्छा शफक, मेरा आपसे सवाल ये है, आप मुझे पहले ये बताएं, आप औरत मार्च को सपोर्ट करती हैं? नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं सपोर्ट करती। नहीं करती? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि यार, जो औरतें बाहर निकली हुई है ना, वो एक्चुअली सिर्फ आजादी जा रही है और वो है जिस्मानी आजादी। दैट्स इट, जस्ट टू शो ऑफ देयर बॉडीज। दैट्स इट। जो असल हकूक हैं वो हैं जो ये झुग्गियों में बड़ी हुई है, जो थर में जलील हो रही है, जो घरों में डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है, वो एक्चुअली, वो तो बेचारी निकलती नहीं है बाहर, उनको तो अच्छा अगर आप ये कहते हो कि जी हम उनको सपोर्ट करें, उनके लिए निकल रहे हैं, तो वो खुद कहाँ हैं? ठीक है ना, हमारे दीन में हाल है, जो दीनी बहनें हैं ना और बेटियां हैं, वो कभी भी इसको सपोर्ट नहीं करेंगी। और ये वही औरतें हैं जो टिकटॉकर्स और ये जो आजकल इंस्टाग्राम और वगैरह, बस वही सपोर्ट कर रही हैं। मुझे नहीं पसंद ये जो गंदे गंदे से पोस्टर्स लेकर ये रोड के ऊपर निकली होती हैं, आज़ादी मांग रही होती हैं और गंदे गंदे से वाहियात से ये नारे लगा रही होती हैं। ये किस तरह की आज़ादी मांग रही हैं? भाई मैं भी एक औरत हूँ, मुझे तो ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए, ये कैसी आज़ादी मांग रही हैं? अच्छा मुझे ये बताएं, जो तस्वीर औरत मार्च में औरत के हकूक की दिखाई जा रही है, क्या वही है औरत के हकूक? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसने एक बहुत ऊंचा दर्जा दिया हुआ है औरत को, इनको और कैसा दर्जा चाहिए? ये कैसे दर्जात मांग रही हैं? कैसे नारे लगा रही हैं? अपना खाना खुद गर्म करो, खाना तुम गर्म करो, बिस्तरा हम गर्म करेंगे, ये किस तरह के नारे हैं? तो ये किस तरह के हकूक मांग रहे हैं? हमने तो कभी इस तरह के हकूक नहीं मांगे, मैं खुद मैरिड हूँ, मैंने तो कभी अपने हस्बैंड को नहीं बोला जाओ अपना खाना खुद गर्म करो। औरत मार्च के सपोर्टर हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये हमारी रवायात के भी ख़िलाफ़ है, और उसके बाद इखलाकी तौर पे भी ये ठीक नहीं है, और हमारी इस्लाम के मुताबिक भी ये ठीक नहीं है, क्योंकि हमारा मज़हब भी हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। अच्छा मुझे ठीक है, औरत को हकूक है कि वो अपने हकूक के लिए खड़ी हो सकती है, बोल सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप रोड पर आ जाएँ और ऐसे बेहयाई फैलाएँ। मुझे बताएं, जो तस्वीर औरत के हकूक की दिखाई जा रही है औरत मार्च में, क्या वही है औरतों के हकूक? औरत के हकूक ये हैं कि वो घर की चार दीवारी में बैठ के कोई कह सकती है, अपने वालदैन से मुतालबा कर सकती है अपने हकूक का। इस्लाम ने तो फिर ये भी बैर भी आ रही है, तो कोई तरीका होता है बैर आने का, ये नहीं कि आप पोस्टर्स पे वल्गर किस्म के स्लोगन लिख के लोगों को दिखाएं, और जो घर बैठी हुई औरतें हैं उनको भी मतलब ये जेहन में जाता है कि पता नहीं, ये बिल्कुल गलत है। क्या आप औरत मार्च के सपोर्टर हैं? औरत मार्च के जी मैं सपोर्टर हूँ, बिल्कुल सपोर्टर है। कैसे सपोर्टर है, क्या सपोर्ट करते हैं? क्योंकि औरत जो है ना, औरत भी मुआशरे का एक हिस्सा है, तो उसको भी जो हक मिलना चाहिए, इस वजह से जो वो अपने हकूक के लिए वो आवाज़ उठा रहे हैं, तो उसको मैं सपोर्ट करता हूँ। अच्छा, जो हकूक औरत मार्च में दिखाए जा रहे हैं औरत के, क्या वही हैं औरत मार्च, औरत के हकूक क्या वही हैं इस्लाम? नहीं, वही नहीं है, औरत के बहुत ज़्यादा हकूक हैं। वैसे इस्लाम ने औरत को जो है ना, इज्जत भी इस्लाम ने दी है, वैसे औरत के बहुत ज़्यादा हकूक हैं, विरासत से लेकर यानी हर चीज़ में, क्योंकि औरत जो है ना, उसको तालीम का भी हक़ है, उसको हर चीज़ में उसको हक़ मिलना चाहिए। लेकिन जो ये औरत मार्च में जो दिखा रहे हैं, ये इतने काफ़ी नहीं है कि ये यही हकूक है, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा हकूक है। जिस तरह से औरतें स्लोगन्स बना रही हैं पोस्टर्स पे और बाहर सड़कों पर निकल कर नाच गाना वगैरह कर रही हैं, क्या आपको लगता है ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है, इस्लाम इसकी भी इजाज़त नहीं देता है, क्योंकि औरत जो है ना, औरत मीन्स पर्दा, हया, उसके अंदर रह के वो जो भी काम कर सकता है, जॉब कर सकता है, जिधर भी जा सकता है, वो पर्दे के अंदर रह कर वो चीज़ें कर सकता है। औरत मार्च एज इन, इफ़ यू कैन से कि औरत मार्च औरतों की सपोर्ट,
तो बिल्कुल मैं सपोर्ट करती हूँ, बट मतलब उसका जो मिसयूज़ हो रहा है ना औरतों के साथ, मतलब जो औरतें कर रही हैं उसको मैं सपोर्ट नहीं करती। मुझे बताएं, जो तस्वीर औरतों के हकूक की औरत मार्च में दिखाई जा रही है, क्या वही है औरतों के हकूक? यही तो मैं आपसे बात कर रही हूँ कि औरत मार्च को जिस तरह से हमारी कंट्री में रिप्रेजेंट किया जा रहा है ना, वो तरीका ठीक नहीं है। औरत मार्च एक प्रॉपर कैंपेन है जो औरतों के राइट्स के लिए, ठीक है, लेकिन हम उस चीज़ को छोड़कर फजूल और स्टूपिड किस्म के पोस्टर्स पकड़ के तो औरतें समझते हैं कि हम अपने, ये हमारे राइट है कि हम कुछ भी स्टूपिडिटी करें, उस पर हमें कोई क्रिटिसिज्म ना करे, दैट्स इट। इसको, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। यानी कि अगर हम तशद्दुद के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं तो दैट्स गुड, लेकिन अगर हम लोग जिस तरह से बेहयाई फैला रहे हैं तो वो सही नहीं है। बिल्कुल, देखें मैं तो आपको पहले बता रही हूँ कि औरत मार्च बिल्कुल जो है वो औरतों के सपोर्ट के लिए, लेकिन इसको औरतें फजूल किस्म के अपने पोस्टर्स पकड़ के और इस तरह की चीज़ें पकड़ के कहेंगे हमें सपोर्ट किया जाए इसमें, तो दैट्स टोटली रॉन्ग। औरत के हकूक की तस्वीर औरत मार्च में पेश की जा रही है, क्या वही है औरतों के हकूक? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आप देखें ना, कौन सी कंट्री में रह रहे हैं? इस्लामी कंट्री में रह रहे हैं तो इस्लाम के मुताबिक औरत चले ना। ये तो नहीं है कि आप रह मुसलमान कंट्री में रहिए और जाना आपने मगरब वालों की, उनके मुताबिक आप चलें क्यों? आप मुसलमान हैं तो मुसलमान वालों तरीके भी तो अडॉप्ट करें ना। यानी कि हम पर मगरबी मुआशरे का असर हो रहा है 100%, आपको भी नज़र आ रहा है। तो ये मेरा तो यही मेरी रिक्वेस्ट है तमाम जितनी भी खवातीन हैं पाकिस्तान की, कि अपने आप को चेंज करें, खुदारा अपने आप को इस्लाम के मुताबिक, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बताई गई हदीसें हैं या उनकी जो ज़िंदगी का तर्ज़ अमल था उसके मुताबिक गुजारें, जो बता के गए हैं वो हमें। ये तो नहीं है ना कि आप कहें कि जी हमें ज़िंदगी जो है ना वो फिरौन की तरह मिले और मौत मूसा की तरह आए, ऐसे नहीं हो सकता। मगरबी माशरे का चक्कर है, अगर हम 30-40 साल अपनी माओ नानियों और दादियों को देखें, यार देखो उस ज़माने में भी जुल्म, उस ज़माने में भी औरत पे हो रहे थे, ऐसी बात नहीं है। बेसिकली जिसके लिए फाइट करनी चाहिए वो है डोमेस्टिक वायलेंस जो है, ठीक है ना, उसके लिए अपने आप। और आप सबसे बड़ी बात ये है, देखो ये आप भी मानोगे कि हम मगरिब से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं। अभी खड़े खड़े मैं आपको बता गिनवा सकती हूँ कितने लोग इन्फ्लुएंस्ड हैं यहाँ पे। तो आप कैसी बात करें, आपने अपने आप को इस वक्त ज़ीब्रा बनाया हुआ है, ना आप घोड़ा हो और ना आप गधा हो। हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज़ मर्दों के लिए ज़रूर कहूँगी कि प्लीज़ औरत को इतना भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मत बनाएं, अपने आप में रहें, अपना अभी मर्दपन जो है ना, मर्दानापन जो है उसको भी देखें। मर्द को भी जेबा नहीं देता कि औरत को यहाँ तक लेकर आए। जी तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, हमने आज का शो किया औरत मार्च पर। लोगों ने अपने रिव्यूज दिए कि क्या वो लोग सपोर्टर हैं औरत मार्च के या नहीं। बहुत एस्पेक्ट से लोगों ने हमें जवाब दिया, नेगेटिव एस्पेक्ट से भी दिया और पॉजिटिव एस्पेक्ट से भी दिया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज।